हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ प्रियंका। टेस्टी एंड डिलाइटफुल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई रेसिपीज लेके आती रहूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके इससे आपको मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज की रेसिपी में दो चटनी बनाऊंगी, सैंडविच चटनी, जो सैंडविच के ऊपर आप या किसी भी तरीके से खा सकते हो, और रेस्टोरेंट में बनने वाली चटनी, दही की चटनी। चलिए स्टार्ट करते हैं सैंडविच चटनी से। तो एक ग्राइंडर जार में आपको मतलब खूब सारा धनिया लेना है, ठीक है। दो मैंने हरी मिर्च ली हैं, ये थोड़ी सी चरपरी हैं, ज़्यादा तीखी हैं, इस वजह से दो ही ली हैं मैंने, ठीक है। और इनको कट करके इसमें डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें जीरा डालूँगी, आधी टी स्पून जीरा। और उसके बाद अदरक डालने वाली हूँ मैं, आधा आधा अदरक चॉप करके इसमें डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें रोस्टेड की हुई मूंगफली है ये, जो मैंने एक टेबल स्पून करीबन डाली है इसमें। इसके बाद मेरे पास ये क्रश करे हुए मिंट लीव्स, मतलब पुदीना रखा हुआ था, वो मैंने डाला है। और करीबन आधा एक चौथाई बाउल करीबन पानी मैंने डाला है अभी। आप इसमें एक टीस्पून टैमरिन पेस्ट, मतलब इमली का पेस्ट डाल दिया मैंने। आपके पास अगर नींबू हो तो नींबू को निचोड़ के वो डाल दीजिएगा एक टीस्पून। दो टेबल स्पून भुजिया डाली है मैंने, ठीक है। और इसको अब मैं ग्राइंड करने के लिए रख दूँगी। और देखिए ये चटनी तैयार है एकदम। किसी के साथ भी खाइए, पकौड़े के साथ, सैंडविच में लगा के, किसी के साथ भी, लेकिन मार्केट में इसी स्टाइल से मिलती है। रेस्टोरेंट की चटनी बनाते हैं, दही की चटनी जो मोस्टली मिलती है आपको कहीं भी बाज़ार में। आप कोई भी चाट पकौड़े खाते हो ना, उसमें ये चटनी वो लोग यूज़ करते हैं। तो धनिया लिया है खूब सारा, और अब इसमें सेम वही मिर्च तो डालनी ही है, दो अच्छी सी बड़ी बड़ी करके, मतलब मैंने चरपरी थी तो इस वजह से दो ही डाली हैं। और आधी जिंजर कट करके इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें आधी टीस्पून काला नमक डालने वाली हूँ, ठीक है। और आधी टीस्पून ही जीरा डाला है मैंने, आधी टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी, मतलब काला नमक भी डाला है मैंने, नमक भी डाला है, तो ध्यान से डालिएगा, एक्स्ट्रा नमक ना हो जाए, ठीक है। और पानी डाल के बस आप इसको ग्राइंड करना है, लेकिन उससे पहले दही डालना मत भूलिएगा। दो टेबल स्पून मैंने बड़े चम्मच थिक दही था मेरे पास, वो डाला है। और खटाई के लिए मैंने लेमन जूस डाल दीजिए, या फिर ये इमली का पेस्ट डाल दीजिए, और ग्राइंड करके ये एकदम तैयार है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी, मतलब दही की चटनी और सैंडविच चटनी, दोनों तैयार हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं दोनों चटनी। आप किसी भी चीज़ से खा सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब पकौड़े के साथ ही। कोई भी चाट पकौड़े आप बनाते हो, उसमें ये चटनी डाल के आप उस चाट पकौड़े का आनंद ले सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।